नमस्कार, SM News में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त प्रियंका। रोबोट से हो गया मैनहोल की सफाई। आप जानते ही हैं कि आज के दौर में हमारे विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। आज के दौर में हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब सफाई के लिए भी रोबोट बनाए जा रहे हैं। एक ऐसे ही खबर हमारे सामने आई है कि केरल में जल्द ही रोबोट के जरिए मैनहोल की सफाई की जाएगी। क्या आप जानते हैं कि यह देश का ऐसा पहला प्रयोग होगा जिसमें एक रोबोट से मैनहोल की सफाई करवाई जाएगी। केरल के जल प्राधिकरण प्रबंध निदेशक ए शोमानोन ने कहा कि जेन रोबोटिक्स विकसित द्वारा एक रोबोट का प्रायोगिक तौर पर मैनहोल में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केरल सरकार इस परियोजना को लेकर काफी उत्साहित है। वाईफाई, ब्लूटूथ और नियंत्रण प्रणाली से लैस यह रोबोट सीवर से जल मैल साफ करने में सक्षम होगा। यह परियोजना KWA द्वारा समर्थित है। कंपनी ने पाइप लीकेज और सफाई से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नए व्यवहारिक प्रौद्योगिकी को बदलने के लिए केरल स्टार्टअप मिशन के साथ मिलकर काम किया है। शुरुआत में तिरुवनंतपुरम में इस सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर 5000 से ज़्यादा मैनहोल है। ये थी SM News की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी हर खबर और हर वीडियो सबसे पहले।